भी लोग जल्द से जल्द जुड़े और हर ग्रुप में शेयर कर दें मेरी बात को। आज लाइव आने का क्या मकसद है? हो सकता है हो आप लोग जान ही गए हों। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए और जो भी है, नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा ही होगा कि विशाल धरने का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, उसी प्रकरण को लेकर के मैं आज लाइव आया हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, देखिए आज का लाइव हो सकता है आप लोगों के अंदर थोड़ा जोश उत्साह पैदा कर दे, और ताकि जो भी कल धरने का आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। ठीक है, मैं 1 मिनट चाहूँगा आपसे, प्लीज़ हर ग्रुप में शेयर कर दें जल्द से जल्द। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हर ग्रुप में शेयर करें फटाफट। चलिए साथियों, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी टीम, पूरी टीम जो है इस समय पूरा बैग प्रकरण पे आप देख रहे होंगे। आप सभी जितने बैग साथी हैं मेरी टीम, उनके साथ जो भी संभव हो रहा है पूरा प्रयास कर रही है कि उनके लिए जो भी बैग साथियों की डिमांड आती है कि भैया हमारे लिए ये कीजिए ये कीजिए, तो मेरी टीम उनके लिए सारी चीज़ें जो भी हो सकती हैं पूरा प्रयास कर रही है। साथियों, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा सभी लोग मेरी वीडियो, सभी जितने भी बैग साथी हैं कम से कम उन तक पहुंचे, इसलिए आपसे निवेदन है मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, आप लोग जानते ही होंगे, हर जगह बैग प्रकरण को लेकर के काफ़ी जो भी है सारी चीज़ें, धरना मान लीजिए SCRT हो गया, PNP हो गया है, हर जिले में ज्ञापन दिलवाया जा रहा है DM के थ्रू, जितने भी सांसद विधायक हैं हाँ, लेकिन उसका कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा है। बहुत सारे भाइयों बहनों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एक धरना ऑर्गेनाइज कराइए जिसमें समस्त प्रदेश के जो है सभी लड़के इकट्ठा हो सकें और हमारी बात को एक बुलंदी तरीके से हम लोग आवाज़ उठा सकें। तो इसीलिए साथियों हम लोगों ने बालसन चौराहा 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का मतलब यानी कल, कल बालसन चौराहा 11 बजे समय रखा गया है, इसी बैग प्रकरण को लेकर के आवाहन किया गया है। तो सभी साथियों से निवेदन है कल बालसन चौराहा जरूर पहुँचें। ठीक है, बालसन चौराहा एक ऐसी जगह है जहाँ से अभी देखिए संविदा कानून जो सरकार ला रही थी वो कानून देखा जाए तो बालसन चौराहे पे हम लोग धरना किए थे, अमरेंद्र भैया, अनिल भैया, सीटू भैया सभी लोग, हम लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी, तो वहाँ पे वो धरना किया गया था। उससे देखा जाए तो पूरे प्रदेश में उसको बहुत अच्छा कवरेज मिला और जिससे उसी दिन स्टेटमेंट सरकार को देना पड़ा। जी हम आप प्रयास तो कर ही रहे हैं भैया, बस आपसे निवेदन है जितने भी लोग हैं सभी से एक ही निवेदन है, पुनः निवेदन है कि कल जो है सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में, देखिए आप लोग को आना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो कहते हैं वो चीज़ किया जाता है, लेकिन अब ये नहीं है कि बहानेबाजी चले। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है लेकिन फिर बहाना नहीं चलेगा कि भैया इस वजह से नहीं आ पाए, इस वजह से नहीं आ पाए। देखिए अगर आप अपने एक दिन का समय नहीं निकाले तो समझ लीजिएगा बहुत आप पछताएंगे, अगर कुछ सकारात्मक परिणाम ना मिला आपकी भीड़ की वजह से तो ये समझिएगा इसका परिणाम आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़, पहली चीज़ तो नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए, 8840-84-78-61। ठीक है, अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अधिकतर आप लोग जानते हैं सब, मान लीजिए कोई एक काले अलग अलग कॉलेज हैं हाँ, अलग अलग डाइट हैं, तो सभी कॉलेज का या हो या डाइट का एक एक प्रतिनिधि, ठीक है, अपने साथ जितने भी साथियों का बैग लगा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे कांटेक्ट करें और उनको कल बालसन चौराहे पर लेकर आए। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताइए कल कौन कौन आ रहा है। ठीक है, कल उनको सभी को आना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर अफसोस
पछताना आपको पड़ेगा ही, फिर ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। अगर कल सही भीड़ दिखी तो ये समझिए जैसे संविदा कानून के लिए सरकार को उसी दिन स्टेटमेंट देना पड़ा, वैसे ही इसके लिए भी उसको देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ गलत हुआ है ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये सरकार मतलब एक तरीके से पब्लिक को नहीं पता है। एक तरीके से देखा जाए अभी कि बैक डीलर में भी बैक साथियों के साथ अन्याय हुआ है और सारी चीज़ें प्रमोट हो गई हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है कल उस चीज़ को बालसन चौराहे पर अपना प्रकट करना है, जो भी आपके अंदर जो भी दर्द है। हाँ, लेकिन आपसे पुनः निवेदन है कल आइएगा ज़रूर, ठीक है? बार बार मैं कह रहा हूँ, और जितनी भी छात्राएं हैं आपकी सक्रियता होनी चाहिए, ठीक है? अमित ओझा जी आ रहे हैं, चलिए सभी लोग अपने अपने टीम को लेकर के आइएगा जितने भी ज़िले से हैं, ठीक है? अब छात्राएं की छात्राएं बहनें जितनी हैं हमारी, उनका उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके रहने से एक अलग ताकत मिलती है। और अपने साथ जो है मास्क वगैरह ये सब लेके आइएगा, मास्क, सैनिटाइज़र, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें होने ज़रूरी हैं, ठीक है? और शांतपूर्वक धरना चलेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा, ठीक है? लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी भीड़ पर निर्भर करती हैं। आपसे निवेदन है कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सभी तक मेरी वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि सकारात्मक परिणाम तभी मिलेगा जब सभी तक बात पहुंचेगी और सभी लोग आएंगे धरने में। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, ठीक है? किए तो है मैसेज, इसी सब चीज़ को देखते हुए हमने एक धरना ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर कि भाई इतने लोग कह रहे हैं चलिए एक रख दिया जाता है। लेकिन फिर वही चीज़ अगले दिन बहाना मिला तो ये चीज़ सही नहीं है भाई। आप के साथ गलत हो रहा है, अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए? 80-90 हज़ार लोग हैं भाई, कुछ तो जागरूक हैं कि सारे लोग बस फेसबुक यूट्यूब बस इसी में सीमित हैं। नजमुद्दीन प्रयागराज मंडल जी, अध्यक्ष जी ज़रूर आएंगे, हम आएंगे भाई, शुक्रिया। चलिए आप लोग रहेंगे एक अलग ही उत्साह रहेगा। भैया मोहम्मद साहब बालसन पर पैदल मार्च करो, पैदल मार्च करना है, क्या करना है? आप आएंगे तब सारी चीज़ें होंगी। वहाँ एक पैदल मार्च तो नहीं होगा लेकिन शांतपूर्वक धरना चलेगा। सभी से निवेदन है आइएगा ज़रूर, ठीक है? मोहब्बत मोहम्मद गुलगुसार जी, बिल्कुल विपुन चौधरी, चलिए। देखिए हमारी टीम आप लोग देख रहे होंगे सभी लोग गायब हैं, ठीक है? इस समय हमारी टीम आप लोगों के साथ पूरे तरीके से लगी है, जो भी आप लोग कहते हैं वो चीज़ किया जाता है। क्या हम लोग के पास फ़ोन नहीं आता है जितने प्रमोटेड लड़के हैं कि भैया आप क्यों परेशान हैं, आप प्रमोट हैं? ये सारी उनकी बिना परवाह करते हुए हम लोग आपके साथ हैं, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है भाई? आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके अभी तक आए हैं तो ये आपके साथ गलत हुआ है, गलत का साथ हम नहीं दे सकते। चलिए सभी से निवेदन है प्लीज़ आइएगा ज़रूर, जितनी भी छात्राएं हैं जितने भी छात्र हैं सभी से पुनः निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है आइएगा, अपने हक के लिए आएंगे, ठीक है? अगर आप लोग एक दिन का समय निकाल रहे हैं तो हो सकता है ये आपके भविष्य के लिए एक सकारात्मक रूप दे, ठीक है? 17-18 दोनों बैच के आइए, 17 बैच वाले भाइयों बहनों के साथ, अग्रज भाइयों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। जो मान लीजिए जिनका सेमेस्टर बैक हुआ वो फर्स्ट सेकंड क्लियर, लेकिन उनको भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है भाई। बहुत सारी चीज़ें गलत होता है लेकिन उनके खिलाफ जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक क्या होगा, ऐसे ही होता रहेगा। आप लोग इधर उधर करेंगे बस, इन सरकारों को ऐसे समझ में नहीं आता है, जितने भी अधिकारी हैं जब तक उनके खिलाफ कुछ बोला ना जाए। सना खान हम आप बिल्कुल सही, हम आप लोग के साथ हैं, साथ तो हैं, ठीक है? लेकिन कल बालसन चौराहे पे ज़रूर आइएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए आप अपने लिए आएंगे, ठीक है? धरने का कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो आप लोगों के लिए निकलेगा, अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं?
अब बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि धरना कीजिए धरना कीजिए, इसीलिए रखा गया है। अब वो सारी चीज़ें कल आप वो चीज़ें दिखने चाहिए जितने लोगों ने भी बोला है, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग आएंगे, लेकिन जितना अधिक से अधिक संख्या हो सके उतने अधिक से अधिक संख्या लाइएगा। मंजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना तिवारी जी शुक्रिया। चलिए हम वीडियो ख़त्म करेंगे, बस आपसे पुनः निवेदन है इसको एक एक शेयर कर दीजिएगा ताकि देखिए सभी तक बात पहुँचे। पहले चीज़ तो ये कि बालसन चौराहे पे कल आयोजन किया गया है बैक प्रशिक्षुओं के लिए धरना, ठीक है। इसलिए निवेदन है कि एक सभी तक हमारी वीडियो, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं सभी तक हमारी बात पहुंचाइएगा। आयुष सिंह जी, आयुष जी अपनी टीम को लेकर के आइएगा, सभी से निवेदन है। देखिए सोचिए हर जगह मान लीजिए SC RT PNP हर जिले से DM को ज्ञापन दिया जा रहा है, सांसद अपने लेटर पैड पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, विधायक जी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। एक ज़रूरत है विशाल धरने आयोजन की, वही चीज़ किया जा रहा है। अगर आप लोग की सहभागिता सही ढंग से रही तो उसी के उसी दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो निवेदन है आइएगा ज़रूर, और बाकी किसी को समस्या आ रही हो तो मेरा नंबर आपके पास होगा ही, कांटेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आने जाने में समस्या हो रही हो 8924999567, ठीक है 8924999567। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग किसी कोई समस्या आ रही हो आने जाने में तो प्लीज़ संपर्क कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और जितना संभव हो सक रहा है मैं अनंत प्रताप सिंह फिर पुनः जितने बैक साथी हैं उनसे वादा करता हूँ, मेरी टीम पूरी टीम आपके साथ जितना भी हो सकेगा पूरा प्रयास कर रही है। बस इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो चीज़ जब आपका सपोर्ट रहेगा तभी सकारात्मक परिणाम आएगा। तो प्लीज़ जो चीज़ भी आप ही कुछ सक्रिय साथी हैं उन्हीं के द्वारा कहा गया इसलिए आयोजन किया गया, अब इसमें आपकी सहभागिता होनी ज़रूरी है, ठीक है। अश्विन शुक्ला महासचिव जी डीलेट के इतिहास में आपको शुक्रिया अश्विन जी, लेकिन ये सारी चीज़ें आप सभी का सपोर्ट रहता है तभी सारी चीज़ें हो सकती हैं होती हैं। अमित ओझा जी अपने अपने ज़िलों में जितने भी डाइट से जुड़े हुए हैं सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देखिए आप लोगों के लिए ही धरना है, जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। शिवम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं 19 बैच से हैं, आइएगा जितने लोग हों हो सके। देखिए वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख करके बंद मत कर दीजिएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आइएगा, मुझे पता है काफ़ी लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, लेकिन वो चीज़ दिखनी चाहिए। एक एक शेयर इसमें दिख जाता है कि कौन शेयर कर रहा है, तो प्लीज़ जितने लोग हो कम से कम शेयर तो कर दिया कीजिए। प्रीति शर्मा, शिवम मिश्रा, प्रवीण पटेल, आप किसी ने शेयर नहीं किया है, ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक। मेरा शेयर करने का मतलब ये हुआ करता है कि ताकि मान लीजिए हो सकता है आपके साथ कोई समस्या आ रही हो, आपके शेयर करने से दूसरे को जानकारी मिले, हो सकता है वो धरने में आ जाए, तो इसलिए मैं बोला करता हूँ शेयर कर दीजिए ताकि मेरी बात सभी तक पहुँचे, ठीक है। चलिए फिर जो भी रणनीति रहेगी आपसे साझा की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस यही कहूँगा, आप लोग तैयार हो जाइए कल के लिए, कल के धरने के लिए अभी से पूरा तैयार कर लीजिए। जो भी दूर से हैं अपना बैग वैग सब बना लीजिए और निकल लीजिए। कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर आपके पास होगा ही, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई समस्या रहेगी तो हम पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, फिर प्लीज़ निवेदन है मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। BTC पुर वाले कह रहे हैं सभी लोग नहीं आए तो अब कभी नहीं, जी सही कहा जा रहा है, इतना धरना किया गया, अगर आप लोगों की संख्या सकारात्मक भैया 80-90 हज़ार हैं, 800 लोग भी नहीं एक्टिव होते हैं सही बताएं तो,
इतना वीडियो हमारी अभी देख लीजिए कितने तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपकी सक्रियता नहीं दिखेगी तो क्या होगा भाई। सरकारें भी जानती हैं कि इनकी चाहे जैसे दबाओ, अभी देखिए 18 बैच है, अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिर अभी फोर्थ सेमेस्टर में 20-25 हज़ार लटक जाएंगे, फिर जाते जाते कितने बचेंगे आप भी जानते हैं। उसमें से टेट सीटेड, मतलब एक तरीके से मजबूती से हम लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे। पूरा 18 बैच जो प्रमोटेड बच्चे हैं वो भी थोड़ा इतना स्वार्थ ना देखें। देखिए हमारे ही साथी हैं, हैं हमारे साथ क्लास में बैठते थे, डाइट में मैं देखता हूँ मेरे साथ जो इतने भाई बहन बैठते हैं 30 से 32 लोगों की बैक आ गई है। अब उनके आँखों में क्या रहता है वो चीज़ मैं समझता हूँ। मेरे वो अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं तो उनके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जितना हो सकेगा पूरा लगा रहूँगा, तो निवेदन है। लेकिन उन बैक साथियों को भी समझना चाहिए, हर एक चीज़ें फ़ोन पे सोशल मीडिया पे ही नहीं, कभी ज़मीनी स्तर पे भी होना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, मैं पुनः निवेदन